भैया सुबह हो गई है और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। आज थोड़ा सा हम जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वापसी भी है हमारी, और इस वक्त हम लोग हैं नगर पार्कर में। अगर आप लोग मैप देखें तो बिल्कुल क्लोज टू इंडियन बॉर्डर, बल्कि कल हम लोग एक जगह भटक गए थे रात को, हम नहीं बना सके वीडियो, तो वो भटकते हम गलत जगह गलत रूट पर चले गए। तो थर में भटकना मतलब पूरी रात आप पहुँचते हो, बट लकीली हमने वहीं से रिटर्न ले लिया। तो जब हमने मैप देखा तो पता चला हम बिल्कुल एच पे थे इंडियन बॉर्डर पे। सो खैर हम लोग नगर पार्कर आ गए, अभी हमारा सफर है, अभी हम जा रहे हैं एक यहाँ का तारीखी मंदिर है वो देखें। ज़ाहिर सी बात आप आए हुए हैं और हर तरह के फॉलोअर्स हमें, हर तरह के लोग हमें देखते हैं, तो उनके एक्सपीरियंस के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी होती है। तो आज हम कुछ मंदिर हैं उनका विजिट करेंगे यहाँ पे, तारीखी मंदिर पाकिस्तान में नगर पार्कर। आपको दिखाते हैं कैसा है। शफीक भाई रेडी हैं आप? रेडी चश्मा वश्मा लगा के फुल हैं। सलमान खान डिंक चिका। चलो भाई नगर पार्क दिखाएं बाबा। यहाँ पे देखें अलग ही किस्म की जीप्स नजर आ रही हैं, और ये सिंध का जो हिस्सा है ये इसमें बड़ा डिफरेंस है, मतलब दूसरे सिंध के अगर आप देखें तो थोड़ा सा कल्चर यहाँ का डिफरेंट नजर आता है, पहनावा थोड़ा सा डिफरेंट नजर आता है। जाहिर सी बात है औरतों की हम वैसे वीडियो नहीं बना सकते, आपको यहाँ पे ड्रेस भी चेंज है, चूड़ियाँ पूरी हाथ तक पहनी भी होती हैं, यहाँ तक चूड़ियाँ होती हैं। जाहिर सी बात है उनकी प्राइवेसी है तो अच्छा नहीं लगता, हर चीज़ दिखाओ अपने कुछ व्यूज के लिए। और हम जिस मंदिर जा रहे हैं उसका नाम भी चूड़ी वाला मंदिर है। इंडियन साइड पे भी कोई यहाँ से 10 किलोमीटर जो बॉर्डर से दूर है वहाँ पे भी ऐसे ही कोई एरिया इलाका बना हुआ सुना हमने। अच्छा पूरी टाइल्स लगा दी है रोड पे। अच्छा जी इस वक्त हम लोग खसबो गांव में, बखौलत मेरे नाम सुन, और ये दिस इज द लास्ट विलेज, पाकिस्तान का आखिरी विलेज है, इसके बाद इंडिया है। तो यहाँ पे एक मंदिर है और ये रामा पीर मंदिर है, तो यहाँ पे जाते हैं। सुना अंदर मोर भी हैं काफ़ी सारे, और यहाँ पे मोर पंख भी लोग बेच रहे हैं, वहाँ पे कुंडियाँ भी बिक रही हैं। Yeah.
अच्छा ये बाबा रामदेव मंदिर है, वो अभी आपको दिखाया, और ये जो है ये हनुमान मंदिर, छोटा सा मंदिर बना है, और ये पूरा एरिया पे मंदिर, ज्यादातर मंदिर बने हैं जितने भी आप देख रहे हैं ना। और फाइनली ये मोर दिखाया मैं, ये बैठा हुआ देखा है, यहाँ के पुजारी हैं और केयर टेकर भी हैं, तो इन्होंने ये भी मंदिर खोला हमारे लिए ताकि ये विजिटर विजिट करते हैं, जाहिर सी बात है। मोर को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, भी इन्होंने एक आवाज़ लगाई, ये गाना देते हैं ना। अच्छा, तो ये यहाँ पे भगत हैं, मंदिर के पुजारी है, रोजाना इनका गाना देते हैं। अच्छा, तकरीबन एक मिनट के करीब पहली बाजरा जो है मोरों को डालते हैं। अभी मोर नजर आए हैं, और भी क्या कह रहे हैं एहसान भाई, ये जो गांव है कास्को, जो गांव है ये पाकिस्तान का आखिरी गांव है, इसके बाद फिर इंडियन टेरिटरी शुरू हुई थी, बॉर्डर है वो चेक पोस्ट है, उसके बाद बॉर्डर है, ये आखिरी गांव है पाकिस्तान का, बिल्कुल बॉर्डर पर है। फिर ये कास्को की एक पहचान यूसुफ की थी, यूसुफ फकीर नाबीना है बिल्कुल आँखों से, और हारमोनियम भी प्ले करते हैं, गाते भी हैं, और उनकी वो कास्को की पहचान वो भी है, उनके नाम से भी कास्को पहचाना जाता है। अच्छा, ये पीकॉक पॉइंट है, यहाँ पे डालते हैं ये लोग बाजरा, और यहाँ पे पूरे मोर आते हैं, परिंदे आप देखें। हाँ। तो परिंदे आप देखें। परिंदों को बुला रही है, इनका कहना तकरीबन सुबह के टाइम 200 से 300 के करीब यहाँ पे मोर होते हैं। Wait.